योग के संदेश के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले 33 मीडिया संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान से नवाजा जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी के प्रयासों के कारण हर साल 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने दुनिया भर में स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक जन आंदोलन का रूप ले लिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 मीडिया सम्मान के दूसरे संस्करण की घोषणा के तहत 3 श्रेणियों में प्रिंट, टेलीविजन और रेडियो के तहत 22 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में 33 सम्मान दिए जाएंगे। शुक्रवार को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान की घोषणा की और इसके लिए आवेदन मांगे हैं। प्रिंट, टेलीविजन और रेडियो श्रेणी के लिए 11-11 सम्मान निर्धारित किए गए हैं, जिसमें समाचार पत्रों में योग में सर्वश्रेष्ठ मीडिया कवरेज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी में योग में सर्वश्रेष्ठ मीडिया कवरेज और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेडियो में योग में सर्वश्रेष्ठ मीडिया कवरेज शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान की घोषणा करते हुए इसके लिए आवेदन मांगे हैं। एप्लीकेशन की लास्ट डेट 1 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि योग ने दुनिया भर में लाखों लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है और इसमें मीडिया का अहम रोल रहा है। मीडिया की भूमिका को देखते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान का दूसरा संस्करण आयोजित करने का निर्णय लिया है। भारत और विदेशों की धरती पर योग की पहुंच बनाने के लिए मीडिया की सकारात्मक भूमिका और जिम्मेदारी को समझते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 9 जून 2023 से पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान की स्थापना की थी। पीएम मोदी के अथक प्रयासों के कारण 21 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था।